पुलिस ने अत्यावश्यक सेवाओं की वाहन में बिछाकर देवभोग की ओर रवाना कर मानवीय धर्म अपनाया है। मिली जानकारी के अनुसार देवभोग क्षेत्र के 9 श्रमिक महीनों पहले कमाने खाने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई गए थे। वहां सभी सैनिटरिंग का काम करते थे। कोरोना के कारण लागू लगातार लॉकडाउन के कारण सभी के काम बंद हो गया और सभी चेन्नई में ही फंस गए। बेरोजगारी, खाने पीने में हो रही दिक्कत को देखते हुए सभी युवकों ने घर वापसी की राह सोची और फिर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा परिवहन के साधनों में दी गई राहत के बाद विभिन्न वाहनों में सफर करते हुए सुबह 9 बजे गोबरनावापारा पहुंचे। यहां से कोई वाहन नहीं होने पर पैदल राजिम पहुंचे तो राजिम के प्रवेश द्वार पर स्थित चेकिंग पॉइंट में तैनात थाना प्रभारी विकास बघेल ने उनसे जानकारी लेते हुए पहले सभी को सैनिटाइज कराया और फिर नाश्ता आदि कराया। इसके बाद देवभोग की ओर जा रही अत्यावश्यक सेवाओं की वाहन को रोककर चालक को हिदायत देते हुए उन्हें देवभोग के लिए रवाना कर दिया। बता दें, रविवार को राजिम के प्रवेश द्वार के समीप ही मिली गरियाबंद जिले की पहली कोरोना पॉजिटिव छात्रा के बाद से प्रवेश द्वार को बाहरी लोगों के लिए प्रवेश के लिए बंद करते हुए प्रवेश द्वार के आसपास के किलोमीटर के दायरे को जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। साथ ही मेडिकल, पेट्रोल पंप और दूध के व्यवसाय को छोड़कर तमाम दुकानें आगामी आदेश तक बंद रखे गए हैं। कोरोना से जंग अब भी जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.